हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आपका? अच्छा, अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज है 7.3, क्लास है 9th। उसकी उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके पार्ट सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ करेंगे, ठीक है? तो ये आपके पास। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 के करेंगे ज़्यादातर पार्ट्स। तो अब आपको समय लग जाएगी कि कैसे करना है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। 3 पार्ट्स मैंने कर दिए, 3 पार्ट्स इसके मैंने छोड़े। डिफिकल्ट वाले मैंने कर दिए, आसान वाले मैंने छोड़े। तो कोशिश करके आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब ये इनइक्वालिटीज क्यों कहलाती है? क्योंकि इसमें इक्वेशन का साइन नहीं है, इक्वेशन का साइन नहीं है, बल्कि लेस देन और इक्वल टू है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन यूज हो गया। कि ये वाला साइन यूज होगा जो कि इक्वेलिटी का साइन नहीं है, इसलिए इनको इनइक्वालिटीज कहते हैं। सॉल्व वैसे ही करते हैं, सिर्फ ये है कि जब माइनस के वेरिएबल के साथ आ जाए तो इसके डायरेक्शन चेंज करते हैं। क्यों करते हैं मैंने आपको पहले बताया है, फिर एक दफा बता देता हूँ। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करके, जब उस स्टेप पे जाएंगे तो फिर मैं आपको ये दोबारा एक दफा रिपीट कर दूंगा, वरना मैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 में एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू जो वीडियो को पहले बना दी। चलो कोई बात नहीं। अब क्या आएगा जी? अब ये क्या है? 4x, सारे x एक तरफ ले दो, ठीक है? तो क्या आएगा जी इधर? लकली ये वही क्वेश्चन आ गया जिसमें हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है जी? तो वेरिएबल को आप लेफ्ट साइड पर रखो। तो 4x ये इधर गया, प्लस का 21 था तो उधर जाकर माइनस हो गया, ये इधर आके माइनस है तो उधर आके क्या देगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है जी? ये 1.8 और ये 10.3 है। अब इनको दोनों करते तो क्या देगा? -17x। ये तो बड़ी सी बात है, शुरू में ही दूसरे पार्ट में माइनस का सिस्टम आ गया, ताकि आपको एक्सप्लेन किया जा सके। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर आपके पास कैलकुलेटर है कैलकुलेटर से कर दो, नहीं भी है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो कई दफ़ा इमरजेंसी पड़ जाती है ना, तो बस ये ख्याल रखना है आपने डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस करना है, ठीक है? जब लिखना है तो वो बचपन वाला रूल 10.3, ठीक है? प्लस का है, प्लस का साइन डाल दिया, ये माइनस का 1.8 है, तो इसको इसके नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में 3 में से तो 8 ही निकल सकता, तो आप कैरी करके आओगे। जब कैरी करोगे 10 में से 1, ये 13 बनेगा, 13 में से करोगे तो 5 बनेगा, डन। फिर आपने डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस किया, इधर क्या हो गया था? 9, 9 में से 1 गया तो क्या रह जाएगा? 8। तो आपके पास ये 8.5 हो जाएगा, लेकिन हो किसका जाएगा? प्लस का, डन। अब मैंने आपको क्या बताया कि मैंने बताया इधर हो गया माइनस वेरिएबल के साथ, तो ये उधर लेके जाने के लिए हमें -17 को उस तरफ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? तो माइनस को पहले हमें -17x है तो इसको प्लस का बनाएंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद -1, ठीक है? दोनों साइड से किसके मल्टीप्लाई करेंगे? -1 से। तो ये -1 ब्रैकेट्स -17x आ गया, और ये क्या आ गया जी? लेस देन इक्वल टू -1, और ये क्या हो गया जी? 8.5। लेकिन ये हमने क्या करना है? इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। डायरेक्शन चेंज क्यों करनी है वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों करनी है डायरेक्शन। कभी कभी लिखते वक्त तेजी से बोल मैं कुछ रहा हूँ, लिखो कुछ जाता है, लिखा कुछ जाता है, इसलिए ध्यान रखना है कि आपने चेक भी करना है कि आपने साइन इसका सिंबल इसका रिवर्स किया कि नहीं। ये इस तरह था पहले इसका मुंह, अब इसका मुंह उस तरफ हो गया। क्यों करते हैं ये भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा जी आपके पास 17x। क्या देगा? 17x आएगा। डायरेक्शन इसकी चेंज कर दी, अभी मैं आपको बताता क्यों कर दी। ये क्या आएगा जी? -8.5। अब ये इस तरफ क्या आ रहा था? 17 मल्टीप्लाई, उस तरफ जाकर क्या करेगा? इसको डिवाइड कर देगा जी, तो -8.5 और डिवाइड बाय 17 आ देगा, ठीक है? तो ये आपके पास जब डिवाइड होगा तो 17 5 ज़्यादा होता है, डेसिमल एक के बाद है तो 0.5 आ जाएगा आंसर। लेकिन प्लस और माइनस करोगे तो आपके पास माइनस में आएगा, ठीक है? तो उसका जब सोल्यूशन सेट लिखोगे तो आप क्या सोल्यूशन सेट लिखोगे? एक्स सच दैट, ये लाइन क्या थी? सीधी आपने लाइन लगानी, इसका मतलब होता है सच दैट एक्स जबकि, ठीक है? एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर है और इक्वल है -0.5 के, ठीक है? तो इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अब क्यों चेंज करते हैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो मैंने आपको फर्स्ट को एग्जांपल दी है कि इस तरह लिखा हुआ 9, क्या 9 ग्रेटर है 7 से? क्या 9 ग्रेटर है 7 से? ऑर्डिनरी नंबर में जिसकी तरफ मुंह खुला हो ना वो ग्रेटर होता है। तो 9 इज ग्रेटर देन 7, 7 इज लेस देन 9, विच इज ट्रू, फैक्ट है ये, है कि नहीं? है ना? अब मैंने दोनों क्या कर दिया? मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद माइनस वन, ठीक है, दोनों को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं जी, वाई डू वी चेंज डायरेक्शन, वाई डू वी चेंज डायरेक्शन, ऑफ इनइक्वालिटीज जी, इसकी डायरेक्शन क्यों चेंज करते हैं। अब माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरफ क्या रहेगा, माइनस का नाइन हो जाएगा। ये अभी मैं छोड़ के बताता हूँ आपको क्यों मैंने डायरेक्शन चेंज की, इधर क्या आएगा माइनस सेवन, डन। अब देखो नाइन क्या था, ग्रेटर देन सेवन था, क्या माइनस नाइन ग्रेटर देन माइनस सेवन है, नहीं, माइनस में जितना नंबर बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती है, इसलिए माइनस वाले नंबर नीचे को और प्लस वाले ऊपर को लिखे जाते हैं, या माइनस वाले नंबर राइट साइड पे एक्स एक्सिस के और नेगेटिव वाले नंबर लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं। तो याद रखो जितना माइनस में नंबर बड़ा होगा वैल्यू में उतना ही वो छोटा होगा। तो अब ये माइनस नाइन छोटा हो गया है, इस वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, समझे बात की, इस वजह से इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। तो अब ये लाइन जो है ना ये आपको लगेगा जैसे मैंने उधर लगाई हुई है, ठीक है, तो ये लाइन नहीं लगानी आपने, तो माइनस नाइन लेस देन हो गया माइनस सेवन, अगर इसके नीचे लाइन लगी हुई है तो लगा दो। क्यों डायरेक्शन चेंज की, इधर क्या था नाइन ग्रेटर देन सेवन था, जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इसकी डायरेक्शन क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी बन जाती है, तो जो चीज़ छोटी होती है इसको नोक की तरफ लिखते हैं, पहले ये बड़े मुंह की तरफ था, खुले मुंह की तरफ था, अब ये नोक की तरफ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, यार कोई मुझे लगता है कोई जो कोई घर है उसमें उठा ठा 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 हो रहा है, कोई नया घर बन रहा था, हो सकता है उसकी वजह से भी हो रहा, चलो कोई बात नहीं, इग्नोर कर दिया करो। ये बाहर से म्यूज़िक आता है या स्ट्रीट टॉकर्स की आवाज़ आती है, कभी कभी शोर शराब आता है, तो उसको आप इग्नोर कर दिया करो। अब करेंगे जी हम पार्ट नंबर इसका फोर्थ, पहले का फोर्थ, वो क्या लिखा हुआ जी, वो लिखा हुआ जी एक्स माइनस टू ब्रैकेट फाइव माइनस टू एक्स, ठीक है जी, ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस थ्री ओ वन ओ टू, ठीक है जी, एक्स माइनस टू फाइव माइनस टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिक्स एक्स माइनस थ्री वन ओ टू, चलो जी इसको करते हैं। ये देखो क्या रूल मैंने बताया कि सारे एक्स एक तरफ और सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन उससे पहले आप सिंप्लीफाई कर लो ज़रा, ये क्या लिखा हुआ है एक्स, ये क्या है माइनस टू, उससे अंदर मल्टीप्लाई आएगा तो माइनस टेन आ जाएगा, माइनस माइनस क्या रहेगा जी प्लस टू फोर जार और टू टू जार फोर एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, जिसकी तरफ मुँह खुला हो वो ग्रेटर होता है, दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन, ये आ गया सिक्स एक्स, ये इसको जो मिक्स नंबर है इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, टू थ्री सिक्स माइनस वन है तो माइनस सेवन ओवर टू आ गया, क्या आ गया टू थ्री सिक्स और वन सेवन ओवर टू आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप एक्स एक तरफ ले जाओ, तो ये कितना लिखा हुआ था एक्स, बल्कि ये फाइव एक्स ही कर दो, ये देखो वन एक्स प्लस फोर एक्स कितना देगा फाइव एक्स माइनस टेन ग्रेटर देन इक्वल टू, ये देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे फाइव एक्स हो जाएगा, ये माइनस टेन हो जाएगा, ये ग्रेटर देन क्या हो गया जी सिक्स एक्स माइनस सेवन ओवर टू, देखो टू थ्री इधर सिक्स और वन सेवन ओवर टू, अब ये सिक्स एक्स इस तरफ आ जाएगा, ठीक है जी, तो ये क्या रहेगा जी फाइव एक्स, ये इस तरफ क्या था प्लस का, इधर आएगा तो क्या रहेगा माइनस का, ठीक है, और ये माइनस टेन था उस तरफ जाएगा तो क्या रहेगा ये प्लस का रहेगा, डन, क्या रहेगा माइनस टेन था उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, अब ये क्या रहेगा माइनस एक्स आ गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू आया, इस तरफ आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, तो जब एलसीएम लोगे तो इधर क्या आएगा टू, ठीक है, इस टू को इस टू से डिवाइड करो क्या आएगा वन, वन को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो माइनस सेवन आ जाएगा, डन, पता ना एलसीएम कैसे लेते हैं, इतना दफा मैंने एक्सप्लेन किया आपको,
अब ये इधर जब 10 लेके आया था मैंने उसके नीचे 1 लगा दिया था, मुझे पता था इस कैंसिल करना पड़ेगा। अब इस 2 को आप इस 1 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, 2 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या रहेगा 20। तो यह क्या आ गया जी माइनस एक्स ग्रेटर देन, ये क्या रहेगा जी 13। 20 और माइनस 17 माइनस 7 करोगे तो क्या रहेगा 13। 20 में से 17 माइनस किए 13 आ गया, और क्या आ गया 2। अब फिर वही मसला आ गया जी कि माइनस आ गया है तो क्या करेंगे, दोनों साइडों को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे जी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद माइनस 1, तो क्या देगा जी माइनस 1 माइनस एक्स और इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी जी, ठीक है माइनस 1 और 13/2। ठीक है अब ये क्या रहेगा जी प्लस एक्स हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू, पहले ये ग्रेटर देन था अब ये लेस देन हो गया और ये माइनस 13/2 आप ऐसे ही लिख दो या इसको 7.-6.5 भी लिख सकते हो, बेस्ट है कि आप ऐसे लिख दो। जब आप इसका सॉल्यूशन सेट लिखोगे तो उसमें क्या लिखोगे जी एक्स सच दैट, ठीक है एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू माइनस 13/2, ये लो जी। ठीक है आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं जरा वीडियो देख के आता हूँ। हो गया स्क्रीनशॉट, चलो इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, ठीक है ये खत्म कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन का डेढ़ पहला है, इसका को 1 फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से भी कुछ और कर लेते हैं। अब एक पार्ट आपके पास एक्स्ट्रा कर लेते हैं जी, ठीक है कौन सा कर लेंगे देखते हैं जी, कौन सा करते हैं जी वो डिफिकल्ट से देखते हैं, अगर कोई लिखा हो तो ओ यस गुड, ये कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट, ये थोड़ा सा टफ है तो फिफ्थ पार्ट करते हैं। ये मैं भूल गया, ये कैसे भूल गया मैं, चलो कोई बात नहीं, चलो फिफ्थ पार्ट भी करते हैं। और फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा उसने, पहले का फिफ्थ पार्ट, पार्ट नंबर 5, और लिखा क्या हुआ जी मार्कर चेंज करते हैं जी, कोशिश करते हैं कि बेहतर मार्कर से लिखें। तो ये लिखा हुआ जी 3x+2 ओवर क्या लिखा हुआ जी 9 -2x+1 ओवर क्या लिखा हुआ जी 3>-1। फिर देखो जी क्या लिखा हुआ है 3x+2 ओवर 9 -2x+1 ओवर 3>-1। ठीक है ये अच्छा हुआ मिल गया एक पार्ट, ठीक है ये मैंने नहीं था किया हुआ इसमें इंक्लूड, अब मैंने फिफ्थ पार्ट इंक्लूड कर दिया है। ठीक है तो इसका फिफ्थ पार्ट भी करते हैं, इसका क्या करेंगे, जारी बात है फ्रैक्शंस दी हुई थी, जब फ्रैक्शंस दिए थे क्या करते हैं आप एलसीएम लेते हो, तो 9 और 3 का एलसीएम, पता ना एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसे करके आप 9 और 3 को डिवाइड कर दोगे, 3 से करोगे हमेशा प्राइम नंबर से करते हैं। ठीक है तो आपके पास जो एलसीएम आएगा वो आपको पता है बचपन वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम आपके पास 9 आ जाते हैं। ठीक है कैल्शियम आया 9, आपने इधर 9 लिख दिया। अब इस 9 को इस 9 से डिवाइड करते हैं, पता ना आपको रूल का, इस 9 को इस 9 को इस 9 से डिवाइड किया, आंसर आया 1। ठीक है तो जो आता है इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास आंसर आया 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3x+2 के साथ, ये बीच में माइनस का साइन लगाया, ये टिक लगाया हुआ तो लगता है 12 लगा हुआ है इस तरह से। ठीक है जी अब आपने क्या किया, इस 9 को किससे डिवाइड करोगे 3 से, इस 9 को आपने डिवाइड किया 3 के साथ। ठीक है जब 3 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, फिर 3 आएगा तो 3 3 9 आ गया। अब 3 को आपने लिखा इधर और इधर आपके पास जो ऑलरेडी टर्म मौजूद है वो लिख दी, लाइन पूरे के नीचे लगानी है लाजमी है, ये ग्रेटर देन माइनस 1 आ गया। ठीक है मैंने क्या किया था, इस 9 को इस 9 से डिवाइड किया था, जो आंसर आता है 1 आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया था, याद रखो माइनस साइन है तो अंदर साइन चेंज होने हैं, माइनस बाहर है ब्रैकेट के, इसलिए भी ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब कई बच्चे डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं और अंदर वाला साइन चेंज नहीं करते, डायरेक्शन साइन चेंज करना है। अब इस 9 को 3 से डिवाइड किया, ठीक है तो ये 3 आया, उसके बाद ये टर्म लिख दी, अब मल्टीप्लाई कराओ क्या देगा ये 3x+2 -6x -3,
क्या हुआ जी, ये 3x और ये 2, ये माइनस 6x माइनस 3 मल्टीप्लाई होके, ये जो माइनस ये जो 9 है उस तरफ चले जाएगा, ये तो डिवाइड हो रहा है, क्या करेगा मल्टीप्लाई देगा, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा आपके पास, इसको और इसको कर दो सॉल्व, तो क्या देगा आपके पास, माइनस का 6x है प्लस का 3x है, तो माइनस का 3x आ गया, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर दो, ये माइनस का 3 है प्लस का 2 है, डिफरेंट साइंस है, सब्ट्रैक्ट होएंगे बड़ी टर्म का साइन आएगा, बड़ी टर्म 3 है कि 2 है, 3 है, तो ये आ गया, ये क्या आएगा जी, माइनस 9, ठीक। अब आपने देखा कि हमने इसको और इसको सॉल्व किया, तो बड़ी टर्म थी माइनस, तो हमने माइनस का 3x लिखा, इसमें भी बड़ी टर्म माइनस 3 थी उसको लिखा, अब वन उधर चला जाएगा, ये उधर जाकर क्या देगा, प्लस का देगा, तो ये क्या देगा जी आपके पास, माइनस 8। अब अगर तो इक्वलिटी होती ना, फिर तो आप माइनस माइनस से काट देते, फिर बड़ा साथ, अब फिर माइनस आ गया, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद माइनस, और उसके डायरेक्शन चेंज करोगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद माइनस 1, ठीक है। तो क्या देगा जी, माइनस 1 माइनस 3x, जैसे ही आप लिखते हो तो उसकी डायरेक्शन क्या आती है, चेंज हो जाती है, क्योंकि जो बड़ी टर्म है वो छोटी और छोटी टर्म बड़ी हो जाती है, पहले ये बड़ा था अब ये क्या देगा, छोटा हो जाएगा जी, ठीक है। और इधर क्या रहेगा जी, माइनस 1 और ये 8 हो जाएगा, तो जो माइनस की थी वो प्लस की हो जाती है, प्लस की थी वो माइनस की हो जाती है, तो ये क्या रहेगा जी, 3x, पहले ये क्या था माइनस का, अब ये क्या हो गया प्लस का, और ये क्या आ गया जी, माइनस सॉरी ये माइनस 8 था पहले भी, तो माइनस माइनस क्या हो गया जी, प्लस, ठीक है। अब आप इसको इधर सॉल्व कर दो इधर, तो ये क्या आ गया, एक्स उधर जाके इधर रहेगा, और ये उधर जाके 8/3 हो जाएगा, देखो ऑलरेडी माइनस 8 था, ठीक है, माइनस 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो प्लस हुआ, हो गया, ये इस तरह मल्टीप्लाई से जाके डिवाइड करेगा। तो मैंने आपको स्टूडेंट स्टार्ट की टेक्निक क्या बताई हुई है, क्या आपने लिखना है एक्स सच दैट, ये सीधी लाइन क्या है, सच दैट, उर्दू में जब क्या कहते हैं, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, लेस देन एंड इक्वल्स टू 8/3, जो भी इधर लिखा है वही लिख दिया बस, ठीक है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं, थैंक यू।